नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय 26 अक्टूबर को आजम खान से मिलेंगे। आजम खान हफ्ते भर से सीतापुर की जेल में बंद है। कांग्रेस नेता की समाजवादी पार्टी के नेता से इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने। आजम खान और कांग्रेस के 36 के रिश्ते तो जग जाहिर। ना तो कांग्रेस पार्टी ने कभी आजम खान को पसंद किया है और ना ही आजम ने कांग्रेस को। फिर आजम खान के दर्द का हमदर्द कांग्रेस क्यों बनना चाहती, देखिए ये रिपोर्ट। वास्तव में मामला मुस्लिम वोट का है। सामने लोकसभा चुनाव है, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें। यूपी के 20% मुसलमान किसी भी पार्टी की तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। तो आजम खान के नाम के बहाने सहानुभूति बटोर कर गैर बीजेपी राजनीतिक पार्टियां अपने वोटों का हिसाब किताब ठाक कर लेना चाहती। इसी चक्कर में कांग्रेस ने बीएसपी से निकाले गए पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद को अपने माथे पर बिठा लिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय एक तीर से दो निशाना साधने के मूड में। अब आजम खान के बहाने वो मुस्लिम वोटरों को अपना बनाने में जुटे हैं। उनकी इस कोशिश से समाजवादी पार्टी का नाराज होना तो स्वाभाविक है। कहने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, लेकिन पिछले ही हफ्ते अजय राय और अखिलेश यादव के बीच जो हुआ वो तो सबके सामने। एमपी के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। इस पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया, तो जवाब में अजय राय ने कह दिया कि आजमगढ़ की सीट अखिलेश बचा नहीं पाए और अब हमें ज्ञान देते हैं। उनके इस बयान पर अखिलेश यादव ने अजय राय को चिरकुट नेता तक कह दिया। अगले ही दिन वाराणसी पहुंचने पर अजय राय ने कहा, जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाया वो मेरा क्या सम्मान करेगा। कांग्रेस हाईकमान के बीच बचाव के बाद बयानबाजी बंद हुई। अब आजम खान से मिलकर अजय राय ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस ही मुसलमानों की फिक्र करने वाली असल पार्टी। सीतापुर जेल जाकर वो ये भी बताना चाहते हैं कि अखिलेश यादव तो नहीं आए पर हम आजम खान से मिलने आ गए। अब तक समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने जेल जाने के बाद आजम खान से मुलाकात नहीं की। अजय राय तो आजम खान से मिलना चाहते हैं, पर क्या आजम भी ऐसे ही चाहते हैं? अगर आजम खान ने अजय राय से मुलाकात के लिए हामी भर दी तो समझिए कहानी में ट्विस्ट है। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।